कर सीएस को दिया है, उस पूरी चिट्ठी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? मैं उसको साजिश का हिस्सा मानता हूं। आप खुद से सोचिए कि जो एलजी, जो चीफ सेक्रेटरी, जो जेल प्रशासन पहले ये कहानियां गढ़ता था कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल पूरी खा लिए तो बढ़ गया, आलू खा लिए तो बढ़ गया, वही जेल प्रशासन जब हकीकत, और उस समय इंसुलिन नहीं दी जाती थी, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमारी शुगर लेवल बढ़ रही है, हम लोग बार बार कहते थे कि भाई इनको इंसुलिन की आवश्यकता है, इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, आपको याद होगा, उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। और अब वही जेल प्रशासन, वही एलजी, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल अपना शुगर लेवल घटा रहे हैं, वो कैलोरी कम ले रहे हैं। क्या इस तमाशे पर किसी को यकीन होगा? और जो रिपोर्ट लीक कर रहे हैं उसमें खुद हाइपोग्लाइसीमिया की शिकायत का जिक्र एम्स के डॉक्टरों की जांच के बाद किया गया है, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के वकील को दी गई, उस रिपोर्ट में हर दिन का शुगर लेवल किस समय कितना है वो गायब कर दे रहे हैं, वो शुगर लेवल नहीं दिखा रहे हैं। फिर अरविंद केजरीवाल जी चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई हमारा किस समय क्या शुगर लेवल था, वो पूरा डाटा, वो पूरी जानकारी जारी कीजिए, तब उनको वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ के बताया और आपको दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी गहरी साजिश चल रही है। तो ये मैं कहना चाहता हूं।